सब्सक्रिप्शन होगा। अरे भाई होगा होगा, अरे पता नहीं मोदी जी किसका वेट करें। अरे मोदी जी बताओ सर किसका वेट करो, हम सबके सब तो आ चुके हैं। मित्रों अभी शिनचैन नहीं आया है, जब शिनचैन आएगा तभी रामचरण शुरू किया जाएगा। अरे उस शिनचैन के चक्कर में हम सबको वेट करना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे सारी सारी गाड़ियां तो आ चुकी, बस शिनचैन आया। हम यार सबके सब यार शिनचैन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे सारे एवेंजर्स आ रखे, यहाँ पे जॉन सीना, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर और ब्लैक हल्क आए हुए। मित्रों शिनचैन के बिना ये चैलेंज शुरू नहीं किया जाएगा। A few moments later. Suryavanshi! एरी फेंकी में मुझे बचाओ, एरी फेंकी में बचा लो, हेलीकॉप्टर टेढ़ा हो रहा है, एरी फेंकी में बचाओ ना, एरी भागो यहाँ से। एरी फेंकी में आपको पता है मैं किसको लेके आया अपने साथ? अबे किसको लेके आया? एरी फेंकी में लेके आया नैने को दीदी को। अबे क्या नैने को दीदी को? एरी हाई फेंकी में ये आए थे हमारे साथ, रैम चैलेंज करेगी, मजे आएंगे। अबे पर ये कैसे कर सकती है? एरी फेंकी में क्यों नहीं कर सकती है, मेरे साथ आइए हम दोनों मिलकर रैम चैलेंज करेंगे। अरे नमस्ते मोदी जी। मित्रों शिनचैन आ चुका है, इसलिए चैलेंज शुरू किया जाए। एनी वे जल्दी समझा दो यार करने के। तो गाइस सर अभी हम सबके साथ हो चुके बिल्कुल तैयार रैम चैलेंज के लिए। यहाँ पे सारी सारी गाड़ियां आ चुकी, मैं दिखाता हूँ इस रैम चैलेंज में करना क्या है। यहाँ से अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जाना है, जिसको कार लेनी कार लो, बाइक लेनी बाइक लो, और यहाँ पे आगे लैंड करना है। यहाँ पे लैंड करने के बाद वापस अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जाना, उस टायर के बीच में से निकालना है और सीधा आके इधर लैंड करना है। जो भी इधर लैंड करेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा और उसको मिलने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्राइस। आज का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, एक चलता फिरता उड़ता घर। ये जो प्लेन है ये एक पूरा का पूरा घर है अंदर से। अभी आपको दिखाता हूं इसके अंदर क्या है। जो भी ये जीतेगा उसको मिलने वाला है ये। इसके अंदर एक कार पहले से बनी हुई है, यहाँ पे एक मस्त रूम बना हुआ है, वो प्लेन के अंदर ही रह सकता है जो भी जीतेगा। और पूरा का पूरा एक घर बना हुआ है, मतलब टीवी है इधर, किचन है, मतलब सारी सारी चीजें जो घर में होती है वो इधर है। तो जो भी जीतेगा उसके तो आज मजे हो जाने वाले, और ये प्लेन उड़ता भी है तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले थॉर यानी ओडिन पुत्र जाएंगे। ए लड़की क्या तुम एसगार्ड की रानी बनना चाहती हो? मैं उधर का राजा हूँ। अरे अब जाओ ऐसे चट्टा मारूंगा वरना आपको। अरे शिनचैन ठीक है तुम बोलते हो तो जाता हूँ। ये देखो मैं गाड़ी लेके आया था जिसमें मैं ये चैलेंज जीतने वाला हूँ। अरे भाई ये क्या प्रिजन वालों की गाड़ी, कहाँ से उठा के ले गया क्या? अरे प्रिजन से ही तो लेके आऊंगा ना। अबे तो प्रिजन वालों की गाड़ी कौन चुरा के लेके आया? तो गाइस सर अभी देखते हैं हमारा यार थॉर क्या करके दिखाते हैं प्रिजन वालों की गाड़ी लेके जा रहा है रैम चैलेंज में, क्या ये जीत पाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो। तो गाइस सर अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हमको यार 2.5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और यार फटाफट से कमेंट बता दो आपको क्या लगता है ये रैम चैलेंज कौन जीतेगा, फटाफट से बता दो, क्योंकि यार वो प्लेन वाला घर तो मुझे भी चाहिए और ये थॉर भैया तो नीचे गिरने वाले हैं। अरे भाई ये तो जा रहा है फुल स्पीड में, क्या ये उधर लैंड कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। और ये जा रहा सीधा और पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा कि नहीं, और ये नहीं पहुंच पाया और थॉर हो चुके इस रेस से डिस्क्वालीफाई, मतलब इस रैम चैलेंज से डिस्क्वालीफाई। तो थॉर कल आना और ये जाना सीधा अपने नाले वाले पानी के अंदर। ए लड़की चलेगी क्या 9 से 12? अरे 9 से 12 का तो पता नहीं, मेरे जूते का नंबर जरूर 12 है। अरे अरे मना कर देना, ऐसे नाराज क्यों होती है? अरे देखो मैं पहली बार आया हूँ लॉस सेंटोस में ये मस्ती गाड़ी लेके, और ये फ्रैंकलिन ने मुझे रैम चैलेंज में बुला लिया है, ये तो बहुत ही इजी है, ऐसी जूते मैं WWE में बहुत करता था। और ये जॉन सीना सीधा जा रहे, क्या ये पहुंच पाएंगे? और ये जस्ट और ये पहुंच नहीं पाए, बिल्कुल हल्का से रह गए वरना ये पहुंच ही जाते। और जॉन सीना भी हो चुके डिस्कॉली में अपने नाले वाले पानी में जाके। एरी फेंकी भी ये कौन है? अरे भाई अपना हल्के ना है। एरी फेंकी भी काले कैसे हो गए? अरे पता नहीं कैसे कल हो गया। अरे मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो थोड़ा सा स्लिप हो गया था और जाके कांधे में गिर गया था। अरे ऐसे स्लिप हुआ था। अरे भाई तो यहाँ पे जो गिर रहा है यहाँ पे कोई कांधा नहीं है, देखो मेरे को पता है, देखो शौक है कांधे में गिरने का, इसका मतलब ये तो ना तू कहीं पे भी गिर जाएगा। अरे फ्रैंकलिन ज्यादा मत बोल मार दूंगा तेको। अरे ठीक है भाई नहीं बोला, जा जा तू करके दिखा। हाँ अब से मत बोलना। अरे अरे बच गया, मैं तो बच गया। तो गाइस सर ऑब्वियस की गाड़ी यार यहाँ से गिर चुकी थी, इसने सेकंड वाले पे लैंड करते अपनी गाड़ी से गिर गया था, पर इसने गाड़ी अपनी वापस उठा ली, क्या ये पहुंच पाएगा? आप यार फटाफट से कमेंट में बता दो। और इसने अपनी गाड़ी कुदा ली, सामने वो सर्कल दिख रहा है, क्या ये पहुंच पाएंगे, क्या ये पहुंच पाएंगे? अरे तुम्हें तो कोई शक है क्या? मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, ये देखो बस मैं पहुंच गया। और ये अरे नहीं मुझे नाले के पानी में नहीं जाना है, अरे मुझे बाहर निकालो, मैं वैसे ही बहुत काला हो गया हूं। अरे मैं तो आऊंगा देखना, मैं तो चलते ही जाता हूं।
अरे दीदी नमस्ते, अरे देखो मैं क्या लेते आयो। अरे भाई अब ये एम्बुलेंस कहाँ से लेके आगे, भाई तुम सबके सब पागल हो गए क्या, एम्बुलेंस कहाँ से लेके आए? अरे वो यार पली में लेते लेते आते हैं यार, अरे देखो मैं क्या कहीं का दिखा, तो एक बार मैं किसे आऊंगा, अरे मेरे को बताओ, अरे मेरे को बता लो, अरे प्लीज बता लो मेरे को, नहीं तो कितना, अरे देखें दादे तो प्लीज मेरे। तो भी यार स्पाइडरमैन को मिल चुका है सेकंड चांस, क्योंकि यार ये बातों बातों में नीचे गिर गया था, पर कोई बात नहीं हमने इसको सेकंड चांस दे दिया, देखते ही क्या करके दिखाते हैं। अरे थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे यार सेकंड चांस दिया, देखो मैं तीर के दिखाऊंगा, पत्ता तीर के दिखाऊंगा, अरे 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 बताओ मेरे को, अरे प्लीज थत्ता दे दो, प्लीज थत्ता दे दो। अरे चल पागल है कि बार बार तुम्हें चांसेस देंगे, तो स्पाइडरमैन भी हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई और जा रहे हैं नाले में। अरे ये सब के सब बच्चे लोग क्या परेशान करते हैं, मेरे पास सूट है मैं ऐसे जा सकता हूँ। अबे वो सूट वूट यूज नहीं करना बताया था ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, ये देखो मेरी मॉन्स्टर ट्रक। अरे भाई साहब क्या ही ट्रक है, क्या ये इसमें पहुंच पाएंगे? अरे पहुंच ही जाएंगे, कुछ शक है तुमको? अभी देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ। अबे उस तरफ है, उधर जा। अरे अरे मुझे पता है सब यार। और ये आयरन मैन अपनी यार गाड़ी से खोज चुके और सामने जा रहे, और ये तो बिल्कुल पहुंचने वाले, और उन्होंने पैराशूट खोल लिए। अरे यार मेरे को डर लग रहा है बहुत यार, अरे कैसे जाऊँ, अरे नीचे तो नाला है, अरे मुझे पहुंचने हो गए, अरे पहुंच गए, अरे पहुंच गए, अरे पहुंच गए, अरे अरे मेरा पैराशूट तो पहुंच गया था। डिस्क्वालीफाई, अरे फेंकी पे मैं जम गए, अरे पहले मुझे जान देना। अरे नहीं फेंकी पहले मैं ही जाऊंगा, देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ। अरे यही रामचरण को मुझे जीतना पड़ेगा, मुझे नैने को दीदी के साथ यार उस प्लेन में घूमना है, हम उड़ते उड़ते घूमेंगे। अरे फेंकी पे, अरे फेंकी मुझे बचाए। अरे भाई शिंचर वापस से लैंड कर ले उधर, अरे शिंचर लैंड कर ले। एनीवे की भाई ये एनीवे की मैं तो लैंड नहीं कर पाया, और ये शिंचर हो चुका है डिस्क्वालीफाई, और कर ले फालतू की बात, हो गया ना डिस्क्वालीफाई। एनीवे की भाई ये, अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। हाँ बोल। अरे फ्रैंकलिन प्लीज तुम हार जाओ ना। अरे क्यों हारूं मैं? अरे मैं शिंचर के साथ उस यार प्लेन में घूमना चाहती हूं। हां तो मैं भी घूमना चाहता हूं भाई, मुझे भी जीतना है। अरे फ्रैंकलिन प्लीज प्लीज यार। अरे ठीक है यार। तो गाइस यार अभी मुझे इस नरेको ने बोला है कि यार मुझे हारना चाहिए, क्योंकि यार उसको शिंचर के साथ उसमें घूमना है, और मैं भी चाहता हूँ कि शिंचैन उसमें घूमे, तो शिंचैन की भलाई के लिए मैं अभी हार जाऊंगा। कोई बात नहीं, अपन हार जाएंगे, शिंचैन मस्त यार घूमेगा उसमें, क्योंकि मैं हार जाऊंगा तो नन्हे को दीदी आराम से कर ही लेगी। तो अभी अपन फटाफट से यहाँ पे गाड़ी खुलाते हैं, अपन को जीतना तो नहीं है, तो ऐसे ही बोल देते हैं। तो हाँ भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ, मैं हार मानता हूँ। थैंक यू फ्रैंकलिन, मेरे बाबू का मैं सपना पूरा करके रहूंगी, एक घर वाले प्लेन में घूमने का। शिंचैन बाबू अब टेंशन मत लो, मैं ये जीत के दिखाऊंगी। अरे मुझे यहाँ से गाड़ी से कूदना पड़ेगा, अरे कूद गई, अरे पैराशूट खोल लेती हूँ, सामने सर्कल है मैं पहुँच कर आऊंगी शिंचैन बाबू की कसम। अरे ये पहुँचने वाली हूँ मैं, अरे पहुँच गई, अरे पहुँच गई, ये पहुँच गई मैं तो, अरे शिंचैन बाबू मैं जीत गई, शिंचैन बाबू मैं जीत गई, अरे मैं तो जीत गई। मित्रों आज के रैम चैलेंज के बिना है ननेको और शिंचैन। अरे शिंचैन तो नहीं, मैं तो सिर्फ। अरे ननेको दीदी क्या बोल रहे हो? अरे शिंचैन मैं जा रही हूँ, बाय बाय। मैंने तो सिर्फ झूठ बोला था, क्योंकि मुझे प्लेन चाहिए था। अरे वहाँ क्या प्लेन है, इसमें तो गाड़ी भी खड़ी है। अरे ननेको दीदी मुझे भी बुला लो। अरे नहीं तुम निकलो यहाँ से, तुम बिल्कुल गंदे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे वाह वाह क्या घर है मेरा तो, अरे मैं तो अब इसमें रहूंगी, कितना मस्त घर है। अरे वाह वाह यहाँ पे तो टीवी भी है, इसमें टीवी देखूंगी। अरे वाह वाह प्लेन तो चलने भी लग गया, बाय बाय शिंचैन कभी नहीं मिलेंगे। अरे पायलट लॉस सेंट्रोस से बहुत दूर ले चलो मुझे। अरे वाह वाह मेरा घर तो हवा में उड़ रहा है, मुझे हमेशा से ऐसा घर चाहिए था, मैंने शिंचैन को पागल बना के ऐसा घर ले ही लिया। अरे वाह क्या मस्त घर है, अरे घर तो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, अरे प्लेन टेढ़ा हो गया, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये घर तो बहुत ही अच्छा है, ये तो टेढ़े में भी उड़ रहा है। अरे देखो यहाँ पे सारी सारी चीजें टेढ़ी हो गई, पर बहुत ही बढ़िया घर है, इसमें तो मैं हमेशा रह सकती हूँ। दीदी चली गई। तो गाइस यार अभी ननेको यार भाग चुकी है अपने उस प्लेन में बैठ के, मैंने उसके लिए भाई यार मैं जानबूझ के हार गया, और वो भाग गई प्लेन लेके, और शिंचैन भी बहुत ही ज्यादा रो रहा है, अरे उसने तो शिंचैन का काट दिया। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो। अभी आपने देखा कि भाई ननेको दीदी ने क्या कर दिया शिंचैन के साथ, पर कोई बात नहीं हम अगली बार जीतने की जरूर कोशिश करेंगे। तो गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन फॉलो कर लो, और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।